आदाब नाजरीन, एनओडी टीवी पे आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम बात की तारीखी मक्का मस्जिद में आज एक जमाने के बाद नमाज जुम्मा अदा करने का मौका मिला। जनाब अमीनुल हसन जाफरी साहब, चेयरमैन तेलंगाना काउंसिल, जो कली हलफ लिए हैं, जायजा लिए हैं, उन्होंने यहाँ पे नमाज जुम्मा अदा की। उनके साथ यहाँ पे नमाज में शिरकत का मौका मिला। मक्का मस्जिद के कामों का भी मुआयना किया गया। मोती मक्का मस्जिद हमारे खजीर साहब ने ये कामों के तालु से वाकिफ कराया और बताया जा रहा है कि रमज़ान से पहले कम अज़ कम मक्का मस्जिद की इमारत के अंदरूनी हिस्सा तकमील हो पाएगा और नमाजियों को रमज़ान में काफ़ी सहूलत होगी। बैरूनी हिस्से के काम बाद में चलते रहेंगे, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और लाल बाजार की तहरीब जो मक्का मस्जिद की गेट है, वहाँ पर जो छोटा हाउस है, एक अरसे दराज से वो बंद पड़ा हुआ है, तो उसके भी रिपेयरिंग का एस्टीमेट तैयार करके काम शुरू करने के तालुक से बताया गया। तो वो छोटा हाउस अगर चालू हो जाए तो मुसल्लियों को काफ़ी सहूलत होगी और बहुत बड़ी तादाद वहाँ उस हाउस से इस्तेफादा करेंगी। ये काम बेहद ज़रूरी था हाउस का भी, और उसमें भी फाउंटेन लगा के करके उसको खूबसूरत बनाया जा रहा है। मेरा यहाँ के जो काम है, थोड़ी इसमें ताखिर ज़रूर हुई क्योंकि कुछ पहले का जो एजेंसी थी वो काम करने में कुछ कोताही बरती और कुछ गलतियाँ भी करी। हाँ भैया,